सन 105 हिजरी में बसरा में ऐसा कहत पड़ा कि माँ बाप ने औलाद और भाइयों ने बहनों से मुंह फेर लिया था और इंसान की फरोख्त की मंडियाँ लग गई। इसी होलनाक फिजा में बसरा के एक छोटे से ख़ानदान पर क़यामत गुजर गई। यहाँ चार बहनें रहा करती थीं जिनके माँ बाप दुनिया से रुखसत हो गए थे। नौ उम्र लड़कियों ने दो तीन फाके तो बर्दाश्त कर लिए, मगर जब भूख हद से गुजरी तो किसी को अपना होश ना रहा। भीख तक की नौबत आ गई, मगर कोई कैसे भीख देता कि देने वाले के पास खुद कुछ नहीं था। ये तमाम बहनें जर्द चेहरों और पथराई हुई आंखों से आसमान की तरफ देख रही थी कि बसरा का मशहूर ताजर अतीक उधर से गुजरा। फाका ज़्यादा बहनों से आसूदा हाल शख्स के सामने दस्ते सवाल दराज कर दिया, खुदा के लिए हमें कुछ खाने को दो। ताजर अतीक ने सबसे छोटी बहन की तरफ देखा जो खामोश बैठी थी और बोला, लड़की तुझे भूख नहीं है? लड़की बोली, बहुत भूख है। सबसे छोटी बहन ने निकाहत ज़्यादा लहजे में जवाब दिया, तो फिर किसी से रोटी क्यों नहीं मांगती? ताजर ने सवाल किया। लड़की ने जवाब दिया, जिससे मांगना चाहिए उसी से मांग रही हूँ। तो फिर तुझे अभी तक रोटी क्यों नहीं मिली? ताजर अतीक ने हैरान होकर दूसरा सवाल किया। जब वक्त आएगा तो वो भी मिल जाएगी, लड़की का अंदाज़ गुफ्तगू मुबम था मगर लहजे से बड़ी इस्तकामत झलक रही थी। तीनों बड़ी बहनें छोटी बहन के बेसरूपा बातों से बेजार थी, इसीलिए झिंझला कर बोली, ये हम सब का वक्त बर्बाद कर रही है, आप इसे यहाँ से ले जाएं। ये लड़की बड़े काम की है, मैं इसे ले कर ही जाऊँगा, ताजर अतीक ने तीनों बहनों को मुखातिब करते हुए कहा और फिर एक मखसूस रकम इनके हवाले कर दी। चलो लड़की, ताजर ने छोटी बहन से कहा, अब तुम मेरी मलकियत हो। लड़की ने अपनी बहनों की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे मगर होंठों पे हरफ शिकायत नहीं था। वो ताजर अतीक के साथ ही चुपचाप चली गई। उसने कई बार मुड़ कर देखा, लड़की की आंखों में बस एक ही सवाल था, क्या तुमने चंद रोटियों के लिए अपनी छोटी बहन को फरोख्त कर दिया? ज़रूरत के बेरहम हाथों ने खूनी रिश्तों को जुदा कर दिया। नौ उम्र हो लड़की इंतहाई मशक्क़त और ज़िम्मेदारी के साथ अपना काम पूरा करती, यहाँ तक कि इसी आलम में कई साल गुजर गए। अब इस लड़की की उम्र 12-13 साल के करीब थी। वह उजाले में दुनियावी मालिक की खिदमत अंजाम देती और अंधेरे में माल के हकीकी के सामने सजदा रेज हो जाती थी। शदीद मेहनत ने उस मासूम जान को तका डाला। एक दिन इतफाक से निसफ शब के करीब आका कमरे से निकलकर टहलने लगा। अचानक उसकी नज़र कनीज की कोठरी पर पड़ी, वहाँ चिराग जल रहा था। आका बड़ी हैरत के साथ कनीज के जागने का सबब जानने के लिए कोठरी की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खुला हुआ था, मालिक तबे कदमों अंदर दाखिल हुआ। अब उसकी आंखों के सामने एक नाकाबले यकीन मंजर था। कनीज सजदे की हालत में थी और दबी दबी सिसकियाँ उभर रही थी। मालिक की हैरत में कुछ और इजाफा हो गया, वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा, फिर उसने कान लगाकर सुना। कनीज इंतहाई रिकत आमेज लहजे में दुआ मांग रही थी, ऐ अल्लाह तू मेरी मजबूरियों से खूब वाकिफ़ है, घर का काम काज मुझे तेरी तरफ आने से रोकता है, तू मुझे अपनी इबादत के लिए पुकारता है, मगर मैं जब तक तेरी बारगाह में हाजिर होती हूँ नमाजों का वक्त गुजर जाता है, इसीलिए मेरी माजरत कबूल फरमा और मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। मालिक ने कनीज की गिरेवजारी सुनी तो खौफ खुदा से लर्जने लगा, उसका पत्थर दिल पिघल गया, उल्टे कदमों वापस चला आया और रात का बाकी हिस्सा जाग कर गुजार दिया। फिर सुबह होते ही कनीज की कोठरी में पहुंचा और कहने लगा, आज से तुम आज़ाद हो, जहाँ जाओ जा सकती हो। ये मासूम और यतीम बच्ची कनीज हजरत राबिया बसरी थी, जिनकी बारगाह में हज़रत इमाम सुफियान सूरी, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा जैसे बड़े बड़े उल्मा न्याजमंदी के साथ हाज़िर हुआ करते थे।